हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी आपके लिए व्यापम आधारित पिछले सालों के जितने भी प्रश्न हैं उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, और जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वह मैथ्स का लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी सीजी टेट में आए हों, सीजी व्यापम में आए हों, या आपके हॉस्टल वार्डन में जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के हल हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ जान रहे हैं कि उन प्रश्नों को कैसे आप आसानी से ट्रिक्स के माध्यम से भी बना सकते हैं। दोनों चीजें हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, साथ ही साथ ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, ताकि आप विद इन अ मिनट किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चालू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के प्रश्नों के साथ जो एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रति किलोग्राम के हिसाब से ज्ञात कीजिए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, इनिशियल प्राइस यहां पर आपको पूछा गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है अगर आप ध्यान से देखें तो व्यापम के एग्जाम में अलग अलग परीक्षाओं में 2 से 3 बार तक पूछा जा चुका है। बिल्कुल ही क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट पर हमेशा प्रश्न आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, इसका जो तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरीके को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ऐसे कभी प्रश्न आपके सामने आएंगे तब आपको क्या करना है। तो यहां पर हमें जो एक फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे हम लोग प्रारंभिक मूल्य के लिए। कभी भी आपको यहां पर एक फॉर्मूला है जिसमें आप प्रारंभिक मूल्य निकाल सकते हैं। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए एक फॉर्मूला आपके पास रहेगा, एक्स इंटू प्राइस अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले में किस किस डेटा को कहां पर रखना है उसे ध्यान समझिए। एक्स जो है आपका कोई भी अगर परसेंटेज दिया हुआ है उसे दर्शाएगा। इसके अलावा इसी एक्स में जैसे कि यहां पर बताया गया 20% कमी, तो आप माइनस ले लेंगे, और अगर यहां पर अधिक बोलेगा तो आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस या माइनस ले लेंगे। इसके अलावा पी की अगर बात करें तो पी जो है प्राइस को शो कर रहा है, किसी भी चीज के प्राइस को या मूल्य को यहां पर दर्शाएगा, और क्यू जो है आपकी मात्रा को, क्वांटिटी को शो करेगा। तो आपको बस क्वेश्चन में इतनी चीजें देखनी कि एक परसेंटेज आपको दिया रहेगा, एक प्राइस दिया रहेगा, और साथ ही साथ एक क्वांटिटी दी रहेगी। उस डेटा को बस आपको रखना है और आंसर लेना है। ये फॉर्मूला बिल्कुल बता रहा हूं, आप रट्टा मार लीजिए। मान के चलिए कि एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है और आगे व्यापम में आ भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको 2-3 बार पूछा गया। तो प्रारंभिक अगर हम लोग मूल्य यहां पर देखें तो हो जाएगा क्या, एक्स की वैल्यू यानी 20%, तो 20 लिख लीजिए यहां पर, एक्स की वैल्यू 20 इंटू प्राइस रखना है तो मूल्य कितना है हमारे पास, 360 रुपए, तो 360 रख लीजिए। अगला पॉइंट मैंने बताया कि कमी अगर बोल रहा है तो 100 माइनस क्या कर देंगे, 20 जो परसेंट में दिया हुआ है। अगला पॉइंट क्या होगा, इसके अलावा क्वांटिटी अगर मात्रा की बात करें तो यहां पर 2 किलो मात्रा दी गई है। ठीक, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 इंटू 360 अपॉन यहां पर कितना हो जाएगा, 80 अपॉन 2। यहां पर इसे कैंसल आउट कर लेते हैं, ये कैंसल हो जाएगा यहां से, ये 2 यहां पर कैंसल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 रुपीज। इस 8 से इसको कैंसिल कर लीजिए और ये 45 में कट जाएगा। तो 45 रुपीज यहां पर क्या आ गया, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य यहां पर 45 रुपए पर केजी आपको यहां पर प्राप्त, डन। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले को बिल्कुल आपको याद रखना है, और इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो आपको प्रारंभिक मूल्य पूछा जाएगा और साथ ही साथ नया मूल्य भी पूछा जाएगा। जब भी अगर आपको इसमें नया मूल्य अगर बोलेगा, नया मूल्य अगर पूछेगा, तब आपको क्या करना है, देखिए प्रारंभिक मूल्य जब देगा तो प्रारंभिक मूल्य के बाद आप देखिए नया मूल्य कैसे निकालना है। तो नया मूल्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 45 रुपए में देखिए, यहां पर 45 रुपए में क्या हुआ है, 20% कमी हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसी 45 में 20% कमी कर देंगे। तो 45 इंटू कितना कर देंगे, 80/100। तो यहां पर जैसे ही आप 20% कमी किए तो आपको मिल जाएगा कितना, यहां पर 36 रुपए। क्लियर, तो 45% 20% कमी, यानी 20% कमी मतलब कितना हो जाएगा आपका, 36 रुपए। यहां पर इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 8 5 40 और 8 4 32 4 36।
₹36 हमें नया मूल्य मिल जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जिसमें आप प्रारंभिक मूल्य के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद नया मूल्य निकाल लेंगे। फिर से मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है और बिल्कुल गारंटेड है कि ये प्रश्न फिर से आपको देखने मिलेगा। डेटा बस अलग रहेगा, फॉर्मेट आपको यही याद रखना है कि आपको रखना है क्या, यहां पर एक्स रखना है, परसेंटेज प्राइस रखना है, क्वांटिटी रखना है और 100 ± x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर नमक की कीमत में 15% कमी होने पर एक व्यक्ति ₹272 में 2 kg अधिक नमक खरीदता है, तो नमक की घटी हुई कीमत आपको बतानी है, घटी हुई कीमत मूल्य आपको बताना है। ठीक, तो जैसे कि हमें पता है कि प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य जो हम निकालते हैं उसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था क्या, एक्स इंटू पी 100 - x क्योंकि कमी हो रही है, इंटू क्वांटिटी मात्रा। तो जो जो चीजें आपको पता है वैसा वैसा हम रख देते हैं। तो हमें पता है 15% कमी, तो 15 रख दी। प्राइस कितना मिल रहा है भाई, 272, तो ₹272 रख दीजिए। ठीक, अगला क्या होगा, 100 - x मतलब 100 - क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, इंटू क्या करना है, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 2 किलो है, तो 2 किलो को 2 किलो रख दीजिए। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 × 272 / यहां पर कितना हो जाएगा, 85 × 2। ठीक, इसे कैंसल आउट करते हैं, ये 5 3 बार में इसे काट देगा, ये 17 बार में कट गया, 17 से इसे कैंसिल करके देखते हैं कितना मिल जाएगा आपको, 17 × 17 और 17, ठीक 6 बार में इसे काट देगा। क्लियर है, अब 2 इसे कैंसिल करेगा और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा यहां पर ₹24। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक ध्यान से देख लेंगे। तो प्रारंभिक मूल्य आपको क्या मिला, ₹24। बट आप देखिए कि आपको प्रश्न में पूछा क्या है कि नमक की घटी हुई कीमत क्या है, नमक की घटी हुई कीमत, तो नमक का प्रारंभिक मूल्य क्या था, ₹24 था। घटी हुई कीमत की अगर बात करें, घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत के लिए हमको करना पड़ेगा क्या, ₹24 में कितना परसेंट घट रहा है, 15% कमी आ रही, 15% कमी मतलब 100 में 15 की कमी आने 85, तो इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पर कितने बार में कट जाएगा आपका, 10 12 12 17 84, इसे और काट लेते हैं और छोटा हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 204, ये पॉइंट यहां पर कैसे 20.4, 20.4, 20.4 क्या हो जाएगा यहां पर, घटी हुई कीमत हो जाएगी। क्लियर यहां तक, तो आपकी नमक की घटी हुई कीमत कितनी मिल जाएगी, 20.4, और प्रारंभिक मूल्य क्या मिल गया आपको, ₹24। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपको बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी फॉर्मूले पर आधारित ये दोनों जो प्रश्न आपको मैंने बताया, ये फॉर्मूले से आपका आसानी से बन जाएगा। घटी हुई कीमत बोलेगा तो आपको बस कमी करना है और आपको एज इट इज वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ₹160 में 90 पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उस कितने रुपए में, ₹96 में कितने पेंसिल बेचने होंगे, कितने पेंसिल बेचने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं। ऐसे प्रश्न कभी पूछे जाएंगे तो आप उस ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, ₹160 दिया है, ₹160 में 90 पेंसिल और 20% का क्या हो रहा है, लॉस। अगले बार 20% का लाभ हो रहा है और ₹96 में कितने पेंसिल बेचना चाहिए, यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर जो इसका ट्रिक है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार का है, P1/Q1 × 100 ± प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे आप, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर लीजिएगा, लॉस होगा तो माइनस कर लीजिएगा, बराबर P2/Q2 × 100 ± प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है, ठीक। अब कौन कौन सी चीजें क्या क्या है उसे समझ लीजिए। यहां पर P जो है आपके मूल्य को दर्शा रहा है, मूल्य को दर्शा रहा है। Q जो है मात्रा को दर्शाएगा, ठीक, मात्रा को, P मूल्य को, पहला मूल्य और पहली मात्रा। इसके अलावा ये जो P है ये लाभ को दर्शा रहा है और L जो है हानि को दर्शा रहा है। ठीक, बिल्कुल सेम चीज यहां पर, दूसरे मूल्य, दूसरी मात्रा,
दूसरा लाभ या दूसरा हानि। ठीक, अब इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले क्वांटिटी के हिसाब से या पहले लाइन के हिसाब से हमें क्या मिलता है, 160 रुपए में 90 मेजिल, तो 160 रुपए P1 हो गया, तो हम रख देंगे क्या 160। ठीक है, क्वांटिटी कितना ले रहे हैं हम लोग, 160 रुपए में 90 पेंसिल, तो 90 रख दिए। इसके अलावा आपको क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो जैसे मैंने बताया हानि होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे और लिख देंगे क्या 100 - 20% की हानि हो रही है। फिर अगला लाइन आइए, यहां से देखिए, फिर बोलता है 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में कितने पेंसिल बेचने होंगे, तो आपको दूसरा वाला P2 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ मतलब कितना 96 रुपए दिया हुआ है। आपको दूसरी वाली क्वांटिटी पूछिए, Q2 की वैल्यू आपको पता करनी है और प्रॉफिट कितना कमाना है आपको 20% का, तो 100 प्लस क्या कर देंगे यहां पर 20 कर देंगे। बस जैसा जैसा डेटा दिया हुआ था इस फॉर्मूले में मैंने आपको रख दिया, एक ट्रिक को बिल्कुल आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 160 90 इंटू 80 बराबर 96 क्वांटिटी 2 इंटू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है, ये 0 0 कैंसिल, 8 दो बार में चला गया, ठीक, और 2 45 बार में इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, चलिए तो Q2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, Q2 की वैल्यू 96 इंटू 45 अपॉन 120। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम, 12 एक बार में, 12 8 बार में कट गया, ठीक, इसके अलावा इसे 2-4 बार में और 5 बार में, और 5-9 बार में काटने के बाद आपको क्वांटिटी मिल जाएगी कितनी, 36। यानी आपका जो आंसर होगा कि 96 रुपए में उसे 36 पेंसिल बेचनी चाहिए, तब उसे क्या होगा 20% का, या बोलना चाहिए 20% क्या होगा, मुनाफा होगा। ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आप याद रखिएगा, प्राइस 1 प्राइस 2 अगर आपको दिए हैं, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दूसरी क्वांटिटी पूछता है और लाभ हानि दिया होता है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करके बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी व्यापम के एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस ट्रिक को बिल्कुल याद रखिएगा, आप आसानी से इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे बना सकते हैं। चलिए अगला और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में गड़बड़ी भी होती है, इजी है बट गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या बोला है। पहले क्वेश्चन को मैंने आपको बार बार बोला है कि क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही एक दो बार पढ़िए और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए कि ये किसी फॉर्मूले से तो नहीं बन रहा या किसी ट्रिक से तो नहीं बन रहा है। अगर ट्रिक से फॉर्मूले से नहीं बन रहा मतलब बेसिक से आपको बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहां पर बोलता है एक साइकिल को ए को बेचा जाता है, फिर बी जो है 20% लाभ में तथा बी जो बी को बेचता है और सी को जो है 25% लाभ में बेचा जाता है, और लास्ट में जो सी है उसी के लिए 225 रुपए क्या करता है, अदा करता है। पूछ रहा है कि साइकिल का मूल्य क्या है, साइकिल का ओरिजिनल वैल्यू क्रय मूल्य क्या है, उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर फाइनल जो वैल्यू यहां पर दी जा रही है सी के बारे में, सी ने फाइनल यहां पर 225 रुपए पे किया है, 225 रुपए यहां पर पे किया है। तब देखिए यहां पर क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक, चलिए देखिए, ए का मान लीजिए यहां पर साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, एक्स रुपए था। देखिए एक लाइन में बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। ए मान लीजिए साइकिल को क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच दिए। ठीक, तो 20% लाभ पर बेचा मतलब 100 में 20% की वृद्धि, तो हम लिख देंगे क्या 120, साइकिल बिक गई। उसके पश्चात बी जब सी को देता है तो कितना परसेंट का, 25% का यहां पर लाभ कमाता है, तो 25% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा 125/100। ठीक, अब ये जो है एक्स मूल्य वाली साइकिल को 20% लाभ पर 25% लाभ पर बेचने के बाद सी जो है फाइनल कितना रुपए अदा कर रहा है, इस चीज का विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, 225 रुपए सी ने अदा किया। ठीक, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 225 इंटू 100/120, साथ ही साथ 100/125। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर 25 चार बार में, 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 25 चार बार, यहां पर इसे 20 से काट लेते हैं, 20 5 बार में, 20 6 बार में, क्लियर, सिंपल हो गया। इसके बाद यहां पर इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 5 5 ये कैंसिल हो गया, आपके पास 3 से कट रहेगा, 3 से काट लीजिए, 3 3 बार में, 3
दो बार में इसे कैंसिल कर देगा और तीन सात बार में पांच बार में कैंसिल, फाइनल दो दो का कैंसिल कर लीजिए और आपको फाइनल मिल जाएगा यहां पर कितना 75 × 2 ₹150। यानी साइकिल का जो ओरिजिनल जो क्रय मूल्य रहा होगा ₹150 रहा होगा, जिसके लिए फाइनल सी ने क्या किया यहां पर ₹225 अदा किया। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था, एक लाइन में ही पूरी चीजें सेट हो गई। ठीक, बिल्कुल यही तरीका आपको अपनाना है और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार ने ₹300 के क्रय मूल्य पर वस्तु खरीदा, यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, मैं एक लाइन में आपको चीजों को समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए, किसी वस्तु को अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आपको पता है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पर हमें क्या होता है, लाभ या हानि होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, इतनी चीजें पता है। और जब यह लाभ या हानि होता है तो उसके बाद वह क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। क्या बनता है, विक्रय मूल्य। तो यहां पर क्या बन गया, विक्रय मूल्य। तो यह पहला एक रिलेशन आपको पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। अब विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य से रिलेशन कैसा बनता है, यहां पर रिलेशन बनेगा आपका मार्क प्राइस या अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस जितना भी डिस्काउंट दिया जाएगा परसेंट। ठीक, तो इस सिंगल लाइन में मैंने तीनों चीजों को यहां पर लिख दिया, जिसमें आपके पास यहां पर क्या क्या है, क्रय मूल्य भी ले लिया हमने, विक्रय मूल्य भी ले लिया और साथ ही साथ मार्क प्राइस, तीनों चीजों को लिख लिया। अगर ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप मान के चलिए अंकित मूल्य वाला कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो वस्तु का यहां पर क्रय मूल्य दिया गया है ₹300 दिया गया है, यानी आपको यहां पर वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया गया, तो आप क्रय मूल्य में क्रय मूल्य लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद बोलता है यहां पर दुकानदार 20% का छूट दिया है और 20% का लाभ कमाना चाहता है। चलिए 20% का लाभ कमा लेते हैं, तो क्रय मूल्य ये था 20% का अगर लाभ कमाएगा मतलब कितना होगा, 100 में प्लस 20 120 बटा 100, और ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्लियर है, तो विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है देख लीजिए, यहां पर इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, ₹360 क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस मिल गया। क्लियर है कि इतना पॉइंट। अब उसके बाद आपको अंकित मूल्य की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अंकित मूल्य की तरफ चलते हैं, ये आपको मिल गया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन क्या है आपके पास, सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी परसेंट। ठीक है, यहां पर ये आपका विक्रय मूल्य है और ये क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, तो बताइए विक्रय मूल्य आपके पास है तो विक्रय मूल्य रख लीजिए ₹360। इसके अलावा मार्क प्राइस आपको निकालना है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य आपको निकालना है, 100 माइनस डी परसेंट है, डिस्काउंट कितना देना है आपको, तो डिस्काउंट आपको देना है 20% का, तो 100 माइनस क्या कर देंगे, 20% कर देंगे। क्लियर है क्या। ठीक, तो आपको मिल जाएगा यहां पर कितना, मार्क प्राइस बराबर या अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 360 × ये कितना होगा 80%, तो 80 आपका इधर आके पलट जाएगा ट्रांसफर होकर, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा 80। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 0 कैंसिल, ये इसे कैंसिल कर देगा कितने, 8 4 5 बार में, और अंकित मूल्य आपको मिल जाएगा, मार्क प्राइस होगा आपका ₹450। यानी इन रिलेशंस का, इन संबंधों का यूज करके आप आसानी से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से आप अंकित मूल्य की तरफ जा सकते हैं। तो ₹450 आपको क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस यानी वस्तु में जो अंकित मूल्य है उसका एक रेट निकल जाएगा। याद रखिएगा, अंकित मूल्य पर ही हमेशा डिस्काउंट या छूट दिया जाता है और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हमें प्राप्त होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति एक पुस्तक को 20% लाभ में बेचता है, यदि पुस्तक 20% कम दाम में खरीदी जाए तथा ₹18 कम में बेची जाए तो उस व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, यानी इनके शब्दों में ही क्वेश्चन का जो शब्द जाल है वो बिल्कुल बच्चों को फंसा सकता है। बट अगर आप
मेरे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझें। मैं शब्दशः जो चीजें लिखी हुई वैसे ही लिखूंगा और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहले क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या बोलते हैं, व्यक्ति जो है 20% लाभ में बेचता है, ठीक है। जैसे किसी चीज को बेचा जाता है तो बन जाता है वह विक्रय मूल्य, और खरीदा जाता है तो क्या होता है वह क्रय मूल्य, ठीक है। बेचा गया तो विक्रय मूल्य, खरीदा गया तो क्रय मूल्य। इतनी पॉइंट को याद रखना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अब देखिए, मान लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था। 100 रुपए हम मान के चल रहे हैं ना भाई, लास्ट में उसी पुस्तक का क्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसा हम लोग कहीं से भी ऐसा आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आया हुआ। सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल आप ध्यान से एक एक पॉइंट ध्यान समझिए। चलिए, तो वस्तु को क्रय मूल्य क्या मान लिया हम लोग, 100 रुपए मान लिए, ठीक। अब क्या होता है कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है, वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। और वस्तु को 20% लाभ में ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप गुणा कर दोगे कितना इसमें, 120 बटा 100 का गुणा कर दोगे। 120 क्यों, क्योंकि 20% वृद्धि करना है 100 में, क्योंकि लाभ है। तो जब आपने 120 बटा 100 का 100 में गुणा किया तो आपको क्या मिल गया इसमें, तो यहां पर बोलेंगे सर ये 20% वृद्धि होने के बाद 120 हो गया, और ये मिला हमें क्या, विक्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य हमें मिल गया, ठीक है। ये पहला क्रय मूल्य और ये पहला विक्रय मूल्य आपको यहां पर मिल गया। इतना पॉइंट क्लियर है, 100 का सामान 20% प्रॉफिट पर बिक गया 120 में। अब अगला लाइन ध्यान से देखिए, यदि पुस्तक को 20% कम दाम में खरीदा जाता, 20% कम दाम में खरीदा कॉस्ट प्राइस कम दाम में खरीदा जाता, तो बताइए पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 100 था। 20% अगर कम में खरीदा जाएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। और ये भी क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है, ये दूसरा क्रय मूल्य हो गया, CP2 हम इसे कह सकते हैं, दूसरा क्रय मूल्य हो गया, ये पहला क्रय मूल्य है, ठीक है। तो 100 के सामान को आपने कितने में खरीद दिया, 20% कम में, मतलब कितना हो गया, 80 हो गया। यहां तक चीजें समझ में आ रही, जैसा ऐसा बता रहा है बिल्कुल वही चीज हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद बोलता है तथा 18 रुपए कम में बेचा जाता, इस लाइन को थोड़ा स्किप करते हैं, तो उस व्यक्ति को 25% का लाभ होता। देखिए, आपने 80 रुपए कम में खरीदा और कम में खरीदने के बाद आपको बेचना है कितने में, 25% के लाभ में। तो आप बताइए 80 × क्या करना पड़ेगा, हमें 25% का लाभ लेना है, इसलिए हम करेंगे क्या, 80 × 125/100। इतने पॉइंट समझ में आए क्या, 125 बटा हम क्या किए, 100 किए, क्यों किए, 25% का लाभ लेने के लिए। जब आपने 25% का लाभ ले लिया, 25% का लाभ ले लिया तो कितना विक्रय मूल्य हो गया उसे देखते हैं। तो 25% का लाभ लेने के बाद यहां पर हो जाएगा विक्रय मूल्य आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर, ये यहां से सॉल्व कर लेते हैं, 5 और ये 4 × 20 बार में, तो 100 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, 100 विक्रय मूल्य हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है, जस्ट 80 को 125 बटा 100 में आपको क्या करना है, गुणा करना है। चलिए, अब इन डेटा को सॉल्व करने के बाद आपके पास 4 डेटा है, पहला ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य जब 20% कमी हुई, और दूसरा विक्रय मूल्य। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हमने छोड़ा है वो कौन सा है, इस लाइन को देखिए, 18 रुपए कम में बेचा जाए, पहले का विक्रय मूल्य था आपका 120, अभी का कितना हो गया, 100। यानी यहां पर क्या किया गया, 18 रुपए कम में बेचा गया, ध्यान से देखिए भाई यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, 18 रुपए कम में हमने क्या किया, बेचा, 18 रुपए कम में हमने क्या किया, बेचा। 120 का सामान हमने कितने में बेच दिया, 100 में बेचा, 18 रुपए कम में बेचा। अगर 18 रुपए कम में बेचा है तो 120 से 100 में कितने कमी आई है, 20 की कमी आई है, ठीक। 18 रुपए कम, 20 रुपए कम, तो बताइए ये 20 जो है 18 के बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों का गैप है, 120 और 100 में एक गैप है, ठीक। और यहां पर कमी कितनी की है, 18 की, तो हम कह सकते हैं कि सर ये 20 यूनिट बराबर हमें कितना मिल रहा है, 18 रुपए मिल रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट मान लेते हैं, तो एक यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/20 रुपए, क्योंकि हमने क्रय मूल्य क्या माना था स्टार्टिंग में, याद कीजिए,
क्रय मूल्य क्या माना था हमने, 100 माना था, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18/20 इंटू 100। क्लियर है, इसे सॉल्व करते हैं, ये 20 पांच बार में कट गया और कितना मिल गया आपको, 90 रुपए। यानी आपका जो क्रय मूल्य था वस्तु का, जो क्रय मूल्य या जो कॉस्ट प्राइस था, वह कितना आ जाएगा, 90 रुपए आ जाएगा पुस्तक का क्रय मूल्य। समझ में आया क्या? ठीक, जहां पर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है, बिल्कुल इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप एक बार फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये शब्द जो है, शब्द का हेर फेर ही क्वेश्चन को क्या बनाएगा, टब बनाएगा। और शब्दों को अगर आपने पकड़ लिया तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, इसका और कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 90 रुपए क्या आया, पुस्तक का क्रय मूल्य आ गया। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, ताकि आप इस चीज को, इसमें पैटर्न को, यानी उस पैटर्न को आप यहां पर फिर से सॉल्व करके देखें। ठीक है, चलिए देखिए, वैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा, 10% के लाभ पर बेचा, यदि 20% की प्रतिशत में वस्तु को खरीदा होता, कम में खरीदा होता, तो 1000 रुपए में अधिक बेचने पर उसे 40% का लाभ कमाया होता। ठीक है, ये प्रश्न है आपके पास, और वस्तु का क्रय मूल्य यहां पर पूछा गया, जैसा ऐसा पिछला क्वेश्चन बनाए थे बिल्कुल वैसा ही इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं क्या था, 100 था, जैसे हम वहां पर माने थे वैसे ही वस्तु का क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य हम मान लेते हैं क्या, 100 मान लिए। ठीक, फिर क्या किया गया, 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर वस्तु को, 10% लाभ पर बेचा गया, तो 10% जब लाभ पर बेचा गया तो वस्तु को 10% लाभ पर बेचने के बाद कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1। ठीक है, 100 का सामान 10% प्रॉफिट पर बेचा गया, कितने में बिक गया, 110। अब 110 कैसे आया, कहीं पर अगर डाउट है तो आप याद रखिएगा, कभी भी वृद्धि करनी है तो आप 110/100 ऐसा गुणा कीजिए, 100-100 कैंसिल हो जाएगा, आपको 110 रुपए मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट फिर से पढ़िए यहां पर। ठीक, यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदी होती, यानी 100 से 20% कम में अगर वस्तु खरीदी होती, मतलब 80 में वस्तु खरीदी होती, तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, यहां पर 80 हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 80। तो 20 में कम में खरीदी होती तो 1000 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो वस्तु को कितने में खरीदा भाई, 80 में खरीदा, लाभ कितना कमाना चाहता है, 40% का, तो 40% लाभ कैसे कमाएगा, ठीक, क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर, 40% का जब आप इसमें वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां पर इसे सॉल्व कर लो, ये 0-0 कैंसल, 14-8 कितना हो जाएगा, 112। ठीक, तो यहां पर कितना हो गया, ये 112। अब अगर ये चार सर्कल को आप अगर प्रॉपर भर लिए तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये चार सर्कल आपकी फिलअप होने चाहिए, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर बोला है कि दोनों विक्रय मूल्य में क्या बोला है, यहां पर 1000 रुपए में अधिक में बेचता। ठीक है, पहले से 1000 रुपए अधिक में अगर वह बेचता, 1000 रुपए अधिक में बेचता, यानी 110 की जगह 112 में बेचा और 1000 रुपए अधिक में इसने बेचा, तो यहां पर कितने का अंतर दिख रहा है आपको, 2 का अंतर, और यहां पर कितने का अंतर है, 1000 का, यानी 2 जो है 1000 के बराबर है। ठीक, तो यहां पर हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 यूनिट बराबर अगर 1000 रुपए है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 1 बराबर आप बोलेंगे सर 1000/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें जानना किसके बारे में है, क्रय मूल्य के बारे में, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 है, तो दोनों तरफ 100 कर लेते हैं, 100 का गुणा कर लेते हैं, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 × 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 50 बार में कैंसिल, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कितना, 50,000 रुपए। ये क्या मिल गया, वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना मिला हमें, 50,000 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास, 50,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था,
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूं, और वैसे ही क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये बताना जरूरी था। जैसे मैंने बताया, एक बार बस आप रिवाइंड करके फिर चीजों को देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, और एक बार बिना सॉल्यूशन के आप खुद से बनाइए, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपको प्रिपेयर होना है। इजी क्वेश्चन भी आते हैं, टफ भी आते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो आप बना लेंगे और उसकी प्रैक्टिस हम करवा ही रहे हैं, है ना। यहां से जितना भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मान के चलिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, छात्र इसमें भी गलती कर जाते हैं। देखिए यहां पर क्या बोलता है, 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी गई और 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए ताकि उसे 50% का लाभ हो जाए, 50% का लाभ हो जाए। ध्यान से देखिए, 3 टॉफी जो है, 3 टॉफी को कितने में खरीदा गया भाई, 1 रुपए में खरीदा गया। मतलब एक टॉफी का अगर क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं, 1 टॉफी हमें कितने का पड़ा, 1 टॉफी पड़ा हमें 1/3 रुपए का पड़ा, क्लियर है। 3 टॉफी अगर 1 रुपए की, तो 1 टॉफी कितने रुपए की, 1/3 रुपए की। अब बोलता है 1/1 रुपए में कितनी टॉफी उसको बेचनी चाहिए ताकि 50% का लाभ हो। अब यहां पर 50% के लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। तो 1 टॉफी को अगर हम 50% के प्रॉफिट पर अगर बेचते हैं तो कैसे बेचेंगे, 1/3 × 50% प्रॉफिट मतलब 150, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 150/100 लिखेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 5 बार में कट गया और ये 2 बार में, कितना आया यहां पर, 1/2। तो अगर आपको 50% प्रॉफिट चाहिए तो एक टॉफी को कितने में बेचना पड़ेगा, 1/2 रुपए में बेचना पड़ेगा। बट आपको पूछा क्या है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी हमें बेचनी चाहिए, ठीक है। तो 1 टॉफी में 1 रुपए में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 रुपए और ये 2 इधर आ जाएगा, तो दो टॉफी को अगर आप 1 रुपए में अगर बेचते हैं तो आपको 50% का क्या होगा, मुनाफा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 रुपए में आपको 2 टॉफी बेचनी चाहिए, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 टॉफी 1/3 रुपए पड़ी, 1/3 रुपए में प्रॉफिट ले लिए, उसके बाद जो भी डेटा आएगा 1/2 रुपए उसे 1 रुपए में कन्वर्ट करेंगे, और 1 रुपए में कन्वर्ट करेंगे कैसे, जब ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 टॉफी आपका क्या हो गया, यहां पर आंसर हो गया। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये भी एग्जाम में आएगा तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, बट ठीक। चलिए अगला एक और क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितने में बेचना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले मैं बेसिक एकदम तरीका बता रहा हूं और एक बार में भी आप कैसे सेट कर सकते हैं उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति क्या किया, कुर्सी को 700 रुपए में सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है और 25% लॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे या क्रय मूल्य यहां पर निकालेंगे। तो क्रय मूल्य में हमें पता है लाभ या हानि होता है, तो पहले बार में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, कितने का, 25% का हानि। 25% का हानि कैसे लिखेंगे, 75/100 करके लिखेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य 25% की हानि, 75%, ठीक, बराबर कितना रुपए में बेच रहा है भाई, 720 रुपए विक्रय मूल्य है, तो 720 रुपए में यह क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो यहां से हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिल जाएगा, 720 × 100/75, ठीक। जैसे हमें पता है कि अगर इसे सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा आपको, 4/3, 3 से इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितने बार में जाएगा, 3 और 4, ठीक है, और 0, डन। यहां तक चीजें, इस 24 को 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें मिलेगा कितना, 960 रुपए। 960 रुपए क्या मिला हमें, क्रय मूल्य, ठीक। अब अगला लाइन आपको बोलता है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए आप कुर्सी को कितने में बेचेंगे, क्रय मूल्य आपको मिल गया है, इसी क्रय मूल्य में आपको कितना लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो जस्ट यहीं पर क्रय मूल्य में ही आप फिर गुणा कर दीजिए, किसका भाई, 25% का लाभ कमाना है, मतलब कितना कर दीजिए, 125 कर दीजिए, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में, ये 4 बार में चला गया, 4 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक, 4 2 बार में, और कितने बार में जाएगा यहां पर, 4 × 16 और ये, ठीक है। तो 24 × 5 = 120, ठीक, और ये 1200 रुपए,
ठीक है। तो 1200 रुपए में अगर आप सेल करते हैं, विक्रय करते हैं, तो आपको 25% का मुनाफा होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? ठीक, 25% का मुनाफा कमाने के लिए आपको कितने में बेचना होगा? 1200 में, ठीक। अन्यथा अगर आपको बिल्कुल ये जब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसे अगर आपको सॉल्व करना है एक लाइन में, तो एक लाइन में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आपको पूछा क्या है यहां पर, देखिए ध्यान से, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, यहां पर आपको क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपको बराबर करना है इंटू 720 बटा 100 बटा कितना कर देंगे आप, 75, इंटू जितना मुनाफा हुआ 125/100, ठीक है। बस एक लाइन में आप पूरी चीजों को सॉल्व कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा कितना है यहां पर, 1200 रुपए, ठीक है। जब हानि होगी तो उसे पलट देना, और जो मुनाफा है उसे, ठीक है, सीधा रखिएगा, उसके बाद इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो आपने तरीका अपनाया उसका सिंगल फॉर्मेट है, इसे आप इस प्रकार से रख लीजिए, 100 बटा हानि और प्रॉफिट बटा 100, ठीक। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो 1200 रुपए क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो ये जितने भी अभी हमने जितने भी क्लासेस में यहां पर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखे, पूरे के पूरे व्यापम में आए हुए हैं, और आगामी आप सीजी टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, या शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हो, या हॉस्टल वार्डन भी अगर आप देने जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक। तो आप प्रयास कीजिए कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, एक बार अपने खुद से प्रयास कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, और अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।